डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा, डायरेक्टर सुपरमाइंड क्लासेस, मुगराबाद, शाहपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। आइए हम आज आप लोगों को हाउ टू का यूज पढ़ाने जा रहे हैं। मैं तैरना जानता हूँ, आई नो जानता हूँ, आई नो तैरना, नो के साथ हाउ टू लगेगा। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। मैं तैरना जानता हूँ, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना मालूम है, मुझे तैरना पता है। सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है और इसका ट्रांसलेशन इसी तरह किया जाएगा। मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, मुझे का आई, आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पता है, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ना मालूम है। आई नो, आई नो, हाउ टू, नो के साथ हाउ टू का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मुख्य वर्ब है पता है या मालूम है, इसका हो गया नो, और दूसरा जो वर्ब है पढ़ना, उसके लिए हाउ टू का प्रयोग करेंगे, फिर रीड लिखेंगे। आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। मैं कार चलाना नहीं जानता हूँ, मतलब मैं नहीं जानता हूँ, मुझे कार चलाना नहीं आता है, मुझे कार चलाना नहीं मालूम है, मुझे कार चलाना नहीं पता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू नॉट डज नॉट लगेगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मतलब मुझे कार चलाना, मैं नहीं जानता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता है, आई डू नॉट नो। अब दूसरा जो वर्ब है चलाना, उसके लिए हाउ टू लिखेंगे नो के साथ, फिर लिखेंगे आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, माने चलाना ए कार, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। मुझे हिंदी पढ़ना आता है, तो क्या होगा, आई नो हाउ टू रीड हिंदी। मुझे तैरना मालूम है, आई नो हाउ टू स्विम।